राणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना महामारी के चलते बीते साल सभी को काफी भावनात्मक और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब कोरोना का एक नया वेरिएंट निकल कर सामने आया है। इसके बारे में इमिग्रेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव गौड़ ने चर्चा की। इमिग्रेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव गौड़ ने कोरोना के नए वेरिएंट पर बात करते हुए कहा कि सभी को बीते साल काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले भी वेरिएंट को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी मेहनत की गई थी। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा फर्क इमिग्रेशन के इंडस्ट्री पर पड़ा था, क्योंकि ये इंडस्ट्री और भी कई चीजों से जुड़ी है, जैसे होटल, वीजा आदि। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पहले लोग वेरिएंट के प्रति जागरूक नहीं थे, आदेश अनुसार लोग अपने घरों में बैठ जाते थे। इस वजह से केवल उन्हीं ही नहीं बाकी सभी इंडस्ट्री का काफी नुकसान हुआ है, परंतु उनकी इंडस्ट्री को खुलने में काफी समय लगा। 2020 सितंबर में थोड़ी सी इंडस्ट्री खुली और धीरे धीरे पहले के स्तर पर आई, और अब जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है इससे संबंधित WHO की गाइडलाइन आई है। साथ ही दूसरे देशों की जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि इससे किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है कि किसी देश में फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। अंबाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सर, मैं संजीव गौड़ अंबाला से, और हमारी एक जो एसोसिएशन है मैं उसका एक प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर। और पिछली बार भी हमारा जो वेरिएंट आया था उसके ऊपर काफी हमने बहुत ज्यादा हमने मेहनत की उसके लिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फर्क है वो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, इमिग्रेशन की इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा था, क्योंकि ये इंडस्ट्री कई चीजों से जुड़ी हुई है, चाहे वो होटल से लगाएं या बाय एयर जो बच्चे जाते हैं उनके लिए लगाएं, या जो वीजा का जो था, क्योंकि बहुत सारे हमारा जो पिछला एक से डेढ़ साल गया है जिसमें हमारे दो लॉकडाउन लगे हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली भी इमोशनली भी, बिकॉज हमारे पास इतनी बिल्डिंग्स रहती हैं उनका रेंट देना मुश्किल हो जाता है, हमारे साथ कितना स्टाफ जुड़ा हुआ है उनकी सैलरीज देना मुश्किल हो जाता है, तो काफी लोगों को इस चीज के लिए चुनौती भरा सीजन रहा है। और सिमिलरली अगर जैसे ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है तो ओमिक्रॉन वायरस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया और इमिग्रेशन वाज द वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड बिजनेस ऑफ दैट टाइम, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री और सारी टूरिज्म इंडस्ट्री का बैन हो जाना, फ्लाइट्स का रुक जाना, वीजा का ना मिलना, और ये सारी चीजें जो है एक इमिग्रेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।